नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नूपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों। जापान के बोनिन द्वीप समूह में आया 6.5 तीव्रता का भूकंप। बता दें कि नए साल के पहले दिन ही यह देश भूकंप से डहल उठा था, जब 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। रूस से भारत के लिए निकले एक तेल टैंकर जहाज पर लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने मिसाइल्स लॉन्च कर हमला कर दिया, जहां ईरान समर्थित उग्रवादी संगठन ने इसकी जानकारी ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली संसदीय क्षेत्रों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कुछ दिनों में की जाएगी। बता दें कि एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले जाना चाहिए, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले नेता भगवा पार्टी में शामिल होते हैं तो वह साफ छवि का हो जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से पहले मतदाताओं को लक्ष्य बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। चीन के साथ हो गया बड़ा खेला। जिस एयरपोर्ट को बनवाने में की थी मदद, श्रीलंका ने भारत को दिया उसका कंट्रोल। बता दें कि मट्टाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा अब भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है। दोस्तों, आगे की खबर पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और इस पर कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से कर दे, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे चेहरे पे खुशी छलका देता है। हेमंत सोरेन को फिर लगा बड़ा झटका, जहां उनकी औपबंधिक जमानत को लेकर आज ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। दरअसल याचिका में कहा गया था कि उनके बड़े पिता राजा राम सोरेन का निधन हो गया है, उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उन्हें 13 दिनों की जमानत दी जाए। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज पवार परिवार के बारे में अहम बात कही है, जहां अंबेगांव में सुनेत्रा पवार के लिए आयोजित एक रैली में बोलते हुए अजीत पवार ने कहा कि यह चुनाव किसी गांव या पारिवारिक रिश्तों के बारे में नहीं है, यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। बता दें कि बारामती में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उनकी बहन सुप्रिया सूले के खिलाफ चुनावी मैदान में है। मणिपुर में 2 समूहों के बीच हुई गोलीबारी, जिसके बाद एक 33 वर्षीय व्यक्ति मृत पाया गया। बता दें कि इसके पहले बीते दिन मणिपुर के नारान सेना इलाके में कुकी उग्रवादियों के हमले में 2 CRPF जवान मारे गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने EVM पर सवाल उठाने पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो बैलेट लूटने का काम करते थे। लोकसभा चुनाव में पुख्ता हार को देख कांग्रेस के लोग EVM पर दोषारोपण कर रहे हैं। सहरसा की जलाई OP पुलिस ने शंकरथुआ गांव के समीप बलान बांध पर एक लोडेड देशी कट्टा के साथ दरभंगा के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, जहां गिरफ्तार बदमाश को पूछताछ के उपरांत न्यायालय भेज दिया गया है। दिल्ली में मई में चुनावी सभाएं और रैलियां शुरू होंगी, तब पारा 44 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। इस दौरान लोग हीट स्ट्रोक से बीमार भी पड़ सकते हैं। इसके लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल खास तरह की एम्बुलेंस तैयार कर रहा है। इन एम्बुलेंस में वो सारे इंतजाम होंगे जिससे हीट स्ट्रोक के मरीज का इलाज हो सके। पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वर्णिंग ने भाजपा को चुनौती दी कि वह अपने सबसे ताकतवर नेता सुनील जाखड़ को किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव में उतारे, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़कर शानदार जीत हासिल करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बादली क्षेत्र में रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में गरीब से तो सिर्फ वोट के लिए बात की जाती थी, जब अधिकार की बात होती थी तो वे दिखाई नहीं देते थे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार का ज्यादा समय दिल्ली में बीतता था, उन्हें दिल्ली की चिंता होती थी। देश में तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में अब उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल नैनीताल के जंगलों में आग लग गई। वहीं इस आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि यह रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। झारखंड के सरायकेला सिविल कोर्ट के प्रधान जिला जज विजय कुमार को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। हाईकोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। बता दें कि हाईकोर्ट में अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों द्वारा हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं।
इसी बीच नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में अज्ञात हमलावरों ने एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हथियार से हत्या कर दी, जहां पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के पीछे नक्सलियों का हाथ हो सकता है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए थे। इसमें जिले के कुछ विद्यालयों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो वहीं कुछ स्कूलों का रिजल्ट बहुत निराशाजनक रहा। इसी क्रम में जिले में एक स्कूल ऐसा भी है जिसका 12वीं कक्षा का पूरा परिणाम शून्य आया। दरअसल मध्य प्रदेश के गांव मलफा में पूरे विद्यालय का परिणाम शून्य निकला। यहां पर कक्षा 12वीं में 79 विद्यार्थियों का नामांकन है। इनमें से 85 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी, लेकिन रिजल्ट आने पर सभी फेल हो गए। हिमाचल के शिमला पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। पहले लेयर में पुलिस जवान सिविल ड्रेस यानी बिना वर्दी के होंगे। दूसरी और तीसरी लेयर में वर्दी में पुलिस जवान तैनात रहेंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ अचानक धंसना शुरू हो गया है। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में पहाड़ के अचानक धंसने के चलते अब तक 50 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए हैं, जबकि कई जगह बिजली के टावर गिर गए हैं। जहाँ इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने NDRF और SDRF को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करा दिया है। पश्चिम बंगाल में तेजी से चल रहे वोटिंग मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गए थे, वहीं ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चली थी, जहां रायगंज में सर्वाधिक 20 व बालूर घाट में सबसे कम 13 प्रत्याशी हैं। 3 सीटों पर कुल 5298 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में पहली बार गुजरातियों समेत अप्रवासी भारतीय 28 अप्रैल को अहमदाबाद से सूरत तक कार रैली निकालेंगे। रैली में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका के NRI और अप्रवासी गुजरात प्रतिभाग करेंगे। जमीन हेरफेर मामले में कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप में दूडू जिला राजस्व अधिकारी और एक ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारी के आवासों पर राजस्थान ACB ने छापेमारी की है, जहां शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ढाका और हंसराज ने जमीन हेरफेर मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए 25 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की ओर से CAPF एग्जामिनेशन 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार अंतिम तिथि 14 मई तक फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफी सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर इस पर कमेंट किया है, लेकिन कुछ लोग अभी बाकी हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर इस पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक और